का जो जलसा था उसके ऊपर मेरा कमेंट ये है कि ये बिल्कुल उस रेफरेंडम जैसा जलसा था जिसके बारे में अबीब जालिब ने कहा था कि कुछ मायूस से चेहरे थे, सच्चाई का मातम था। और दूसरा जो उसने कहा बहुत सख्त है, वो शायद आप चला ना सके, इसमें से पता नहीं कितना चलेगा। चेरी ब्लॉसम ब्रांड भाई दोनों, इन दोनों के ट्रायल हुए, राजा साहब का ट्रायल हुआ, अब्बासी साहब का ट्रायल हुआ और ट्रायल हुआ फिर गिलानी साहब का। ये 7 ट्रायल हुए, ओपन, किसी को कोई खतरा नहीं था। और एक तरफ एक जो भगोड़ा है, अदालती मफरूर है, वो आता है उसके लिए अमला, उसका अंगूठा लगवाने के लिए, वैसे ही अंगूठा छाप है, आपने देख ली थी उसकी तकरीर, वो अंगूठा छाप का अंगूठा लगता है जाके एयरपोर्ट। दूसरी तरफ ये ना ही ये सेशन जज साहब का काम है और ना ही लॉ मिनिस्ट्री का काम है कि वो ये तय करें कि कहाँ पे ट्रायल होना है। ये जो ट्रायल कोर्ट है उसके इख्तियार है सेक्शन 14 के नीचे, जो इख्तियार यूज नहीं किया जा रहा, एब यूज किया जा रहा है। सबसे पहले मैं अभी थोड़ी देर पहले तारीख की सबसे बदतरीन जो गोलाबारी और एयर अटैक्स हुए हैं गजा पे, उनकी मैं मजम्मत करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बतौर वकील खुद भी। और मैं मुतालबा करता हूँ फौरी तौर पे कि जो OIC है अपनी मीटिंग बुलाए। 10 तारीख से ये, 7 तारीख से ये हमला शुरू है और 10 दिन बाद उन्होंने 17 को अपनी मीटिंग बुलाई है। और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो भी जुबानी जमा खर्च ना करे, बल्कि जिन कमेटियों की सरबराही OIC की हमारे पास है, पाकिस्तान के पास है, उनका इजलास बुलाया जाए ताकि गजा के अंदर जो इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है उसको रोकने की कोई सबील निकाली जा सके। इसराइल का जो खौफ था, रोब था, वो ख़त्म हो गया। इसराइल बतौर रियासत उसका वजूद खतरे में है। और जो ये सारा रास्ता है, खून की नदी है, नहीं ये दरिया नहीं है, ये समंदर है, इसको तैर के इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़लस्तीन और अल-क़ुद्स दोनों आज़ाद होंगे। अब मैं इमरान खान के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। जो इमरान खान का ट्रायल है वो इन कैमरा ट्रायल उसको कहा जा रहा है, वो इन कैमरा ट्रायल नहीं है, वो इन जेल इन कैमरा ट्रायल है। पाकिस्तान के इससे पहले 7 वज़ीरे आज़म के ट्रायल हुए हैं, शहीद भुट्टो बीबी 2, और ये जो अभी आए हैं चेरी ब्लॉसम ब्रांड भाई दोनों, इन दोनों के ट्रायल हुए, राजा साहब का ट्रायल हुआ, अब्बासी साहब का ट्रायल हुआ और ट्रायल हुआ फिर गिलानी साहब का। ये 7 ट्रायल हुए, ओपन, किसी को कोई खतरा नहीं था। और एक तरफ एक जो भगोड़ा है, अदालती मफरूर है, वो आता है उसके लिए अमला, उसका अंगूठा लगवाने के लिए, वैसे ही अंगूठा छाप है, आपने देख ली थी उसकी तकरीर, वो अंगूठा छाप का अंगूठा लगता है जाके एयरपोर्ट। दूसरी तरफ ये ना ही ये सेशन जज साहब का काम है और ना ही लॉ मिनिस्ट्री का काम है कि वो ये तय करें कि कहाँ पे ट्रायल होना है। ये जो ट्रायल कोर्ट है उसके इख्तियार है सेक्शन 14 के नीचे, जो इख्तियार यूज नहीं किया जा रहा, एब यूज किया जा रहा है। मैं बताता हूं कैसे। आपके लिए जो मीडिया है पाकिस्तान का और बैरून मुल्क का, उसके लिए ट्रायल, फेयर ट्रायल को तभी हो सकता है जब आप उसको कवर करेंगे, वहां बैठेंगे जाके ये सारे रिपोर्टर्स बैठेंगे और सारे जाके जो ब्लॉगर्स व्लॉगर्स हैं वो बैठेंगे, वो फेयर ट्रायल होगा। जो कानून में लिखा हुआ है सेक्शन 14 है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, उसमें लिखा हुआ है कि किसी शख्स को या सबको अदालत अगर समझे कि कोई ऐसा मरला केस में आ गया जहां रियासत को खतरा, ये मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, आई वुड लाइक टू बी कॉन्ट्रडिक्टेड, ये सेक्शन 14 है कि वो लफ्ज अगर आ जाए जिससे रियासत को खतरा दरपेश हो तो तब लोगों को बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन दो तबकात को नहीं निकाला जा सकता, एक वकील नहीं निकाले जा सकते, वहां वकील नहीं जा सकते, जेल है, दूसरा आप नहीं जा सकते, वरना आप वो ट्रायल देखने के लिए वहां खड़े हों। वो ट्रायल नहीं हो रहा, ट्रायल का कत्ल हो रहा है, इट इज मर्डर ऑफ अ ट्रायल जो इमरान खान के खिलाफ प्रोसीडिंग कर रही है ये मौजूदा हुकूमत। याद रखे, पिछली हुकूमत भी याद रखे, आपका नाम उसके ऊपर से स्याह धब्बा कभी मिटेगा नहीं। और उस ट्रायल में
किया क्या जा रहा है, मीडिया बाहर है, वकील बाहर है, कहते हैं इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। मुल्क की आखिरी बड़ी अदालत को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं, और इनसे पहले अतर मिनुल्ला साहब को, जिन्होंने कहा था कि कैमरे पे ट्रायल हो, सारे लोगों को दिखाओ, यहां जितने केस चल रहे हैं वो सारे के सारे ऐसे केसेस हैं जो बड़े केसेस हैं, और प्राइम मिनिस्टर का ट्रायल हो रहा है जहां मीडिया मौजूद नहीं है, क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। और जेल में ट्रायल जो होते हैं, मैं बीबी का मैं वकील रहा हूं, मैं जेल जो कोर्ट लखपत में नवाज शरीफ के दौर में ड्रग केस था जिसमें डेथ सजा थी आसिफ जरदारी का, मैंने वो ट्रायल सारा लड़ा, लेकिन उसमें रिपोर्टरों को जाने की इजाजत थी, वकील हम जितने चाहें हमारे साथ जा सकते थे। तो ये इंसाफ का कत्ल हो रहा है, और ये जबरन जो आज चार्जशीट लगाई गई है उसकी कोई हैसियत नहीं है, ये बोगस केस है, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए मेरी दरखास्त होगी कि जो रेलेवेंट अदालतें हैं सुपीरियर, वो इसका नोटिस लें, बाद में पछताने की जरूरत नहीं होती कि एक चीफ जस्टिस साहब भी रहे, उन्होंने अपने मेमोयर्स जब लिखे उन्होंने कहा हमसे जबरदस्ती फैसला कराया गया था। मैं भुट्टो के मर्डर केस की, जिसको मर्डर ऑफ अ ट्रायल कहते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वही तारीख फिर नहीं दोहराई जानी चाहिए, उसके साथ ये तारीख भी नहीं दोहराई जानी चाहिए कि आपने देखा जो जलसा होता है उसमें गलियां भी भर जाती हैं, लोग खुशी से आते हैं। तो अभी जालेब ने एक दफा एक रेफरेंडम हुआ था जो नवाज शरीफ साहब के मौजिद और इनके मुर्शिद दोनों थे, जियाउल्लाह साहब ने रेफरेंडम कराया था, तो इनका जो जलसा था उसके ऊपर मेरा कमेंट ये है कि ये बिल्कुल उस रेफरेंडम जैसा जलसा था जिसके बारे में हबीब जालेब ने कहा था कि कुछ मायूस से चेहरे थे, सच्चाई का मातम था। और दूसरा जो उसने कहा बहुत सख्त है, वो शायद आप चला ना सके, इसमें से पता नहीं कितना चलेगा। थैंक यू।